हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन पीस जैकेट बना के बताऊंगी जो कि आप गर्मियों में अच्छे से उसको पहन सकते हो और वो डिज़ाइनर भी लगता है। और कॉटन कपड़े का, चाहे आप सिफॉन हो जो भी हो, वो आप फैब्रिक में बना सकती हैं। वो पहनने में बहुत अच्छा दिखता है और डिज़ाइनर है, तो ये एक ही कपड़े में पूरा बनता है, इसमें कोई जोड़ नहीं रहता। तो वो मैं आपको अभी कटिंग करके बता रही हूँ और सिल के भी दिखाऊंगी कि वो कैसे स्टिच होता है और उसको कैसे पहनते हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास सैंपल है छोटा सा, ये देखिए। यहाँ ये जो है ये गला है, ये पूरा ये गला है। ठीक है, नेक जो है वो ये है और ये आर्म होल है, ये दोनों। और ये पूरी लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एक सैंपल बता रही हूँ आपको छोटा सा। वो अब मैं आपको फैब्रिक में कटिंग करके दिखाऊंगी और उसका जो ड्राफ्टिंग है, जो नाप है, वो मैं आपको उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप वो आसानी से बना सकती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको फैब्रिक में बता रही हूँ। ये मेरे पास है 2 मीटर से थोड़ा सा कम है ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि आप 2 से ज़्यादा भी ले सकती हैं, 2.5 मीटर भी ले सकती हैं, वो आपके ऊपर है। आप कितना उसको, उसका लेंथ जो है कितना बढ़ा सकती हैं, उसकी लंबाई कितनी ले सकती हैं, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरे पास है 2 मीटर से थोड़ा सा कम है जो मैं इसको आप में इसको बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, देखिए ये है 4 फोल्ड में बनता है। वैसे भी कोई भी चीज़ है वो 4 फोल्ड में ही तैयार की जाती है। और ये है ऐसा, ठीक है, ये हो गया डबल। इसको अम्ब्रेला जो कटिंग होती है उसमें बताया जाता है, अम्ब्रेला कटिंग में ये सिलाई होती है इसकी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से फोल्ड है, ये फोल्ड है यहाँ से पूरा, ये डबल पीस है। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे, यहाँ से ये 4 फोल्ड होगा। ये इसकी लेंथ है, ये वाली ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है जो भी है। ठीक है, और लेंथ आपको जितनी लेनी है वो आपके ऊपर है। अब मैं इसको 4 फोल्ड करने जा रही हूं। प्रिंटेड कपड़ा है, प्रिंटेड कपड़े में सुंदर दिखता है और डिजाइन भी अच्छी लगती है। ठीक, ये इसको ऐसा, ये अम्ब्रेला कटिंग में 4 फोल्ड कर दिए, ये अम्ब्रेला कटिंग में इसको 4 फोल्ड कर दिए। ठीक है जी, और ये इसका, ये 4 फोल्ड में है, ये इसको हम ऐसा रखेंगे, ऐसा किए इसको, ये कोना निकालेंगे यहां से, ये कोना, और यहां इसकी जो भी लेंथ है। ठीक है, अब ये इस ऐसा ये किए, अब यहां से इसकी लेंथ नापेंगे। ये 2 मीटर से थोड़ा सा कम है, यहां से ये हो गया 38, ये आया 38 है ये। ठीक है, और यहां से ये जो लेंथ है ये पूरी ले लेंगे, ये पूरी ले लेंगे, जहां तक क्या आएगी वो पूरी ले लेंगे। अब ये जो है नीचे वाला भाग रहेगा, ये पूरा ये नीचे वाला भाग रहेगा, और यहां से जो है ये, यहां से नेक बनेगा और पूरा शोल्डर बनेगा, आर्म होल बनेगा। ठीक, और इसमें स्लीव्स नहीं लगती, ये स्लीवलेस रहता है और लॉन्ग जैकेट रहता है। ठीक है, ये मैं आपको नाप बता दूंगी। ये 4 फोल्ड किए, यहाँ से ये जुड़ा हुआ भाग है, ये जुड़ा हुआ है, ये ओपन है। ठीक है, और ये भी जुड़ा हुआ, ये कटिंग नहीं होगा, ये कटिंग नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको ये करके बता, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है ये पूरा ट्रायंगल में है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ भाग है और इसको ए,
ऐसा, ये ट्रेंगल लेंगे यहां से यहां, ठीक है। तो इसको ट्रेंगल जैकेट भी बोल सकते हैं, वैसे बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, आप जो बोल सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा ही कटेगा, ठीक। अब मैं आपको आगे की कटिंग बता रही हूं। पहले इसका नाप ले लेते हैं, यहां से इसका जो शोल्डर है वो 7 इंच रहेगा, यानी 14, ये 7 इंच, ठीक है। तो इसमें 3 इंच नेक रहेगा, जो गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रहेगी, और यहाँ से यहाँ 4 इंच रहेगा। ये कंधा होता है, यहाँ से यहाँ पूरा शोल्डर कहलाता है, ये 4 इंच। अब यहाँ से यहाँ ये ट्रेंगल वाले भाग में बनाएंगे, याद रखिएगा ये ट्रेंगल वाले भाग में कटिंग होगी, ये वाला पूरा कटिंग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ आस्तीन और आर्म होल वगैरह वो बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये 6.5 इंच, 6.5, ठीक है, यहाँ से ये 6.5 इंच उसका हाफ करेंगे, यहाँ पे 3.2 ये, फिर यहाँ से 1 इंच अंदर लेंगे ये, फिर इसकी गोलाई देंगे, ठीक है, यहां से यहां ये, इसको ये गोलाई लेते हुए और ऐसा कर्व करेंगे, ठीक है ये। और यहां से फिर ये गले की चौड़ाई हो गई, और यहां से ये गहराई हो गई, यहां से लिए 2 इंच, और फिर यहां से लेंगे, पहले यहां पे पीछे का रहेगा, पीछे का ज्यादा नहीं काटेंगे, ठीक। और फिर यहां से लेंगे इसको 5 इंच ये, और ये हल्का सा वी शेप में रहेगा, गोल नहीं रहेगा, ठीक है, ये वी शेप में रहेगा। और यहां से यहां 1 इंच इसको ऊपर लेंगे, ये पीछे का गला, ये 1 इंच, बाद में इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे, लेकिन अभी कटिंग के लिए 1 इंच ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कटिंग करके दिखा रही हूं, पहले बैक वाला काटेंगे, ये बैक वाला काटे, और उसके बाद में ये शोल्डर है, इसको नहीं कटिंग करेंगे, यहां से इसका बगल आर्म होल वो कटिंग करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब फ्रंट, ये 2 पीस बाहर निकालेंगे, फ्रंट वाले इसको नहीं कटिंग करेंगे, ये वाला ये जुड़ा रहेगा, इसको नहीं कटिंग करेंगे, इसको करेंगे, इसमें गला बनाएंगे। तो ये चीज है, ये यहां से ऐसे कटिंग, यहां से ऐसे कटिंग होगी, हल्का सा गोलाई लेते हुए ये चीज, ठीक है। और नीचे में इसको बराबर कर लेते हैं, अब मैं ये आपको खोल के दिखा रही हूं, पहले ये किए, ये कटिंग हो गई,
ये गला हो गया ये। अब यहाँ से ठीक है, अब ये खोल दिए। अब इसके बाद में इसको हल्की सी पीछे का जो गला है उसकी गहराई देंगे, ये बराबर हो जाए। अब इसको मैं खोल रही हूँ। ये ऐसा बन गया। ठीक है, यहां से ये आमूल बना ये, और यहां से ये नेक। इसको ज्यादा डीप नहीं करते हैं, ये कम रहता है, ये डीप नहीं करेंगे। और फिर यहां से सीधा फ्रंट वाला भाग तैयार होगा। ठीक है, इसको अब मैं स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ कि वो जैकेट कैसे तैयार की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये स्टिच करके दिखा रही हूँ। देखिए ये जो है, ये आम होल है, और इसको भी ऐसे ही कटिंग करेंगे। ये पट्टी को यहाँ से ये जोड़ नहीं रहेगा, अगर जोड़ रहेगा तो ये फिर जोड़ने में दिक्कत देगा, अच्छे से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको जोड़ लेते हैं। फिर जोड़ के इसको बैक साइड पलटा देंगे। ठीक है, मैं अब आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। इसको भी यहाँ पे वी शेप में रह लेंगे, क्योंकि जैसी कटिंग हुई है वैसे ही उसको स्टिच करेंगे। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये ऐसा इसको इसलिए इसके बाद में फिर यहाँ पे छोटा छोटा कट लगाएंगे, नॉच। इससे गोलाई अच्छे से बनती है। यहाँ हल्का सा वी शेप यहाँ कट लगाएंगे, ठीक है, दोनों साइड में। अब इसको फोल्ड कर देंगे।
यहाँ खींचना नहीं पड़ता है, खींचोगे तो लूज हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये लेस लगा देते हैं। ये दोनों आमूल ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे ये पट्टी लगेगी पूरी, यहाँ से यहाँ इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसा, ठीक है। पूरी पट्टी लगा दिए यहाँ से, ये गला है ये। अब इसको फोल्ड करेंगे ऐसा, ये गला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे।
फिर ये पूरा अंदर चले जाएगा। ऐसा ठीक है। अब मैं ये करके बता रही हूँ। पूरी पट्टी लग गई। अब इसके बाद लेस लगाएंगे। अब पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये पूरे साइड ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ से ये नीचे साइड में ये पूरी लेस लगाएंगे। ऐसा ये पूरा पूरा राउंड जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब ये यहाँ पे ये नीचे साइड में पूरे उसमें ये लेस लगती है ये दोनों साइड। ठीक है। ये यहाँ तक के। अब यहाँ पे दूसरी लेस लगाएंगे ये फ्रंट साइड में ये वाली लेस। इससे ये डिजाइनर लुक देगा। ठीक है। इसको पहले ऐसा मोड़ लेंगे और फिर यहाँ से ये पूरा नेक में भी यही लेस लगेगी पूरी। इससे डिजाइनर लुक देगा। और सीधी लेस है जब गले में लगाते तो हल्की हल्की ढीली लगाते ताकि गोलाई सही बैठे।
ये सामने साइड में ये लग गई, और यहाँ पे भी एक एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, ताकि ये ऐसे ना पलटे। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक सिलाई लग जाएगी। ये है डिजाइनर वन पीस जैकेट। ठीक है, यह अभी आपको मैं उठा के दिखाती हूँ। ये वन पीस जैकेट मैंने बना के बता दी हूँ, डिजाइनर वन पीस जैकेट है, तो ये आप अच्छे से सीख जाएंगी और बहुत अच्छा दिखता है ये। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, लाइक्स भी करिएगा। थैंक यू।